इस वीडियो में मैं स्कैबीज का पूरा ट्रीटमेंट आपको बताने वाला हूँ, क्या क्रीम, कौन सी टैबलेट और क्या होम रेमेडीज इसके लिए हम यूज करते हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से इस डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये स्कैबीज एक माइट से होने वाला इन्फेक्शन है और माइट का नाम होता है सार्कोप्टिस स्कैबी। ये 8 टांगों वाला जैसे खटमल होता है उस टाइप का होता है, पर बहुत नन्ना मुन्ना सा होता है और नेगेड आंखों से नहीं दिखता ये। इसके लिए फिर आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, लेंस की स्पेशल जरूरत पड़ती है। ये कैसे ट्रांसमिट होता है, आदमी से आदमी में जा सकता है, वो हाथ मिलाने पे, गले मिलने पर, या उनके एक दूसरे कपड़े शेयर करने पे, बिस्तर शेयर करने पे, फर्नीचर शेयर करने पे, ये एक दूसरे से ट्रांसमिट हो जाता है। और इस ये प्रेजेंट कैसे करता है, इसमें होता है सबसे एक तो स्किन पर रैश पड़ सकता है और इचिंग होती है, और खासकर इचिंग रात में बहुत ज़्यादा होती है। और अगर मैं इसकी पहचान बताऊं कि आप इसको कैसे पहचान सकते हैं, तो ज़्यादातर जो मैंने पेशेंट में देखा है वो ये है कि एक से ज़्यादा फैमिली मेम्बर अफेक्ट होते हैं, यानी कि एक आदमी का ना होगा, उसके साथ वाले उसके परिवार के और लोगों को भी होगी। और दूसरा ये कि रात में यहाँ खुजली बहुत ज़्यादा होती है, उनसे पूछो यहाँ आपको खुजली हो रही है, तो वो बोलेंगे हाँ यहाँ खुजली होती है, वो खुद ही बता देंगे आपको। और यहाँ पर आपको, आप ध्यान से देखेंगे, खुजाने के निशान या बरोज वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये इसकी पहचान हो गई कि आप इसको ऐसे पहचान सकते हैं। कहीं पे भी हो सकती है, ये आपकी रिस्ट पे हो सकती है, एल्बो पे हो सकती है, शोल्डर पे हो सकती है, चेस्ट पे हो सकती है, निप्पल पे हो सकती है, जेनिटेलिया पे हो सकती है, बटक पे हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। और बच्चों में ये मुंह पे भी हो जाती है, हेड, नेक, फेस, आर्म, फीट, बच्चों में वहाँ भी हो जाती है। बच्चों में इतने कॉमनली नहीं देखने को मिलती, पर अगर होती है तो उनके ये जगह भी इफेक्ट हो सकती है। बड़े लोगों में मुंह पर, गर्दन पे, सिर पर ये इतनी कॉमन नहीं होती, ठीक है। इसमें होता क्या है कि ये जो माइट होता है ये खाल के अंदर अंदर जाकर अंडे दे देता है। तो अब अंडे जब दे देगा तो उसमें फिर बॉडी रिएक्ट करती है उस अंडों के लिए, क्योंकि वो बाहर की चीज़ हो गई है, तो बॉडी जब रिएक्ट करती है तो बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, उसी के कारण ये खुजली होती है। एक तो उसके अंडे अंदर होते हैं आपकी खाल में, और फिर उसका मल वगैरह, डेब्रिस, उस माइट का, सार्कोप्टिस स्कैबी का जो मल वगैरह होता है, अंडे वगैरह, वो वहीं खाल के अंदर होते हैं, तो उसी को बॉडी निकालने के चक्कर में, उनको भगाने के चक्कर में, मारने के चक्कर में जो रिएक्शन करती है, उससे इचिंग होती है। अब हम बात करते हैं इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं। इसके लिए पहले हम सॉल्ट की बात कर लेते हैं, उसमें क्या क्या दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं, ठीक है। 5% परमेथ्रिन क्रीम, 25% बेंजाइल बेंजोएट होता है इसमें, एक 10% सल्फर ऑइंटमेंट भी यूज़ किया जा सकता है, 10% क्रोटामाइटोन क्रीम होती है, 1% लिंडन लोशन। ये कुछ मेडिसिन हैं जो इसके स्कैबीज में यूज़ होती हैं। अब डायग्नोसिस की बात करें तो क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, हिस्ट्री से ही देख के ही पता लग जाता है कि स्कैबीज है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर कुछ स्क्रैपिंग, यहाँ से एक स्क्रैप करके इस एरिया को माइक्रोस्कोप में देख लिया जाता है, उसमें माइट्स वगैरह या अंडे इसके दिख जाते हैं, तो उससे डायग्नोज हो जाता है। या फिर एक इंक टेस्ट होता है, इसमें आपको मैंने बताया था ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है, तो इसमें अगर इंक छोड़ देते हैं तो एक बरो बन जाती है, एक टनल से बन दिखने लग जाता है इंक के रास्ते में, तो इससे पता लग जाता है कि यहाँ पर इसके माइट्स हो सकते हैं, तो ये भी एक डायग्नोसिस इससे बन जाता है, ठीक है। तो अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट में जो मेडिसिंस अब मैं आपको बताने वाला हूँ, होम रेमेडीज बाद में बात करेंगे, पहले हम कुछ क्रीम की बात कर लें। तो बच्चों में मैं जो प्रेफर करता हूँ ये परमेथ्रिन क्रीम, ये प्री स्कैब के नाम से आती है, वो आपको रात में लगानी होती है, गर्दन से नीचे नीचे तेल की तरह आपको सारे में मलना होता है, ठीक है। 24 घंटे के लिए लगे हुए छोड़ दें, नहाने के बाद, रात में गुनगुने पानी से नहाने के बाद आपको इसको लगाना चाहिए, ठीक है, और इसको 24 घंटे लगातार छोड़ दें। और जितने भी आपके जो बेडिंग्स हैं, बिस्तर हैं, उनको धूप में डाल देना चाहिए, और आपके जो कपड़े चेंज करेंगे उसे गर्म पानी में, उबलते पानी में धोना चाहिए, या उसमें फिर आपको कोई एंटीसेप्टिक केमिकल डालकर उसको उससे वॉश करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सारे फैमिली मेम्बर को एक साथ इसको लगाना चाहिए, ठीक, क्योंकि अगर एक भी रह गया तो फिर दोबारा से इन्फेक्शन लग सकता है, तो सबको एक साथ इसको ट्रीट करना चाहिए। अब इचिंग के लिए आप टैबलेट कोई भी एंटीस्टामिनिक, जैसे कि सेट्रिजिन टाइप की गोली आप रात को एक ले सकते हैं अपने डॉक्टर से मिलके, और उससे आपकी इचिंग कंट्रोल हो जाती है। अब ये होता है कि ट्रीटमेंट के बाद भी इचिंग काफ़ी टाइम तक परसिस्ट कर सकती है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होता है। आपको ये नहीं सोचना कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि होता यह है कि आप चाहे वो परमेथिन हो या एस्काबायोल हो, अब ये मैं अपने पेशेंट को एस्काबायोल लोशन भी बताता हूँ, वो भी सेम तरीके से आप लगा सकते हैं, उसमें भी कोई उन्हें सभी मैम्लों को तेल की तरह यूज़ करना होता है, ठीक है। तो आप ये लगाने के बाद आप वो क्रीम लगाएं या लोशन लगाएं या स्कैबेज
एक लोशन है वो भी आप लगा सकते हैं, तो वो ये कोई भी आप यूज करते हैं तो जो इसके माइट है वो तो मर जाएंगे, पर जो उसके मरी हुई डेड बॉडी है या अंडे हैं उसके, वो अंदर ही रहते हैं स्किन में, इतनी ईजिली नहीं निकल पाते, तो फिर बॉडी तो रिएक्ट करती रहती है उनसे, तो इचिंग काफी टाइम तक, हफ्ते दो हफ्ते परसिस्ट कर सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है, कि आपने मार तो दिए पर वो अंदर ही रह गए उनके अंडे भी और उसकी डेड बॉडी भी, तो वो बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती रहती है उसको बाहर निकालने के लिए। ठीक, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है तो इसमें फिर आइवरमेक्टिन की डोज भी दी जाती है, रात को एक गोली दी जाती है, तो वो आपके डॉक्टर, उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, मैं कभी यूज़ नहीं करता, इसके बिना ही सारे पेशेंट लगभग ठीक हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों होम रेमेडीज़ की, ठीक है, तो जो आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं, पर होम रेमेडीज़ में अब मैं आपको बता दूँ इसका रिस्पॉन्स धीरे धीरे आता है, ये कोई जादू नहीं है, क्योंकि दीज आर नॉट केमिकल्स, वो होम रेमेडीज़ हैं। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या क्या सेफली इस पर यूज़ कर सकते हैं। नीम और हल्दी का पेस्ट बना के आप अपने जो है जहाँ भी खुजली हो रही है वहाँ लगाएंगे, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। फिर आपको लौंग के तेल में नारियल का तेल मिलाना है, ठीक है, उसको मिक्स करके आपको जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है या पूरे शरीर पे ही आप मल के सो जाएं, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। हल्दी के पाउडर को आप नींबू के रस में मिला के एक पेस्ट बनाइए और उसे फिर आपको जहाँ जहाँ खुजली है, इचिंग है, जख्म दिख रहे हैं या इचिंग दाद हो रही है वहाँ आप इसको लगाएं, इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। और सफ़ेद सिरके में आपको पानी मिला के इसको आपको जहाँ जहाँ खुजली है थोड़ी देर 10 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर वॉश कर लें, इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। एलोवेरा जेल या फ्रेश एलोवेरा आप उसकी पत्ती को वहाँ पर रगड़ लें और कम दिन में 3-4 बार आप ऐसा करते हैं तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये था दोस्तों स्कैबीज का पूरा ट्रीटमेंट, आई होप कि ये आपके काम कर रहा होगा ये वीडियो, आप इससे आपकी नॉलेज बढ़ी होगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।